नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ एक नए मैसेज के साथ जुड़ चुका हूँ। कुछ पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, एक जनरल जो मेरे दिल की बात है वो आपके साथ रखने आया हूँ। बहुत दिन हो गए जुड़े नहीं, कुछ बात की नहीं। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं आपके सामने रखूँगा और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जस्ट इमेजिन कि आपको एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग चढ़नी है और आपको वो 6 फ्लोर की बिल्डिंग लिफ्ट है नहीं, पैदल ही ऊपर जाना है और आपके पास 15-20 किलो का एक बोझ है और आपको कहा जाए कि जा तो वो 5th फ्लोर पे जा और ये सामान वहाँ पे ड्रॉप कर, या कितने जल्दी जाते हैं देखते हैं करके। तो तुम क्या करोगे, तुम चलना तो चालू करोगे लेकिन 2nd-3rd फ्लोर में ना थक जाओगे। तुमको जाना है, पूरी जान लगा दोगे, बट ना एक ऑप्शन ये होगा कि तुम बहुत लेट पहुँचोगे और पहुँच के भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। दूसरे तो ये चांस है कि तुम ऊपर तक पहुँच ही ना पाओ क्योंकि तुम वो 15-20 किलो का वेट लेके नहीं चढ़ सकते 5-6 फ्लोर। और तीसरा ऑप्शन है तुम गिव अप कर दो कि होगा ही नहीं मेरे से। तुमको तो कंडीशन यही रखी थी कि ऊपर जाना है। तुम अगर कहते कि सर वो 15-20 किलो का अगर वेट हटा दो ना तो हम लोग आपको ये 5th फ्लोर के 6 फ्लोर चढ़ के दिखा दे, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको टारगेट डिफिकल्ट लग रहा है, आप वो अचीव करोगे, उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपके कि कंधों पे बहुत सारा बोझ है। वो बोझ अगर हल्का किया तो टारगेट अचीवेबल है, वो बोझ अगर रखा तो टारगेट अचीव करने में दिक्कत होती है। यस और नो, राइट? सो दोस्तों, वो जो बोझ है ना वो तुम्हारी सोच का है। तुम जो अपने पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी है, किसी का रिजल्ट गलत आया होगा, किसी का ब्रेकअप हो गया होगा, किसी के साथ किसी ने गलत किया होगा, वॉट एवर, तुम जब पढ़ने को बैठते हो, जब तुम कुछ भी करने को बैठते हो, तुम लोग और उसी वक्त अपने को ना पूरी हिस्ट्री इतिहास याद आता है कि क्या क्या हो गया और तुम वो हजारों लाखों चीज़ों का बोझ लग के साथ में लेके पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पॉसिबल होगा? फिर ना कॉन्सेंट्रेशन होता है, ना दिल लगता है, ना दिमाग लगता है। मुद्दा ये नहीं है कि वो टारगेट बहुत ऊपर है, मुद्दा ये है कि तुम्हारे दिमाग पे इनविजिबल बहुत सारा बर्डन है। आमिर खान का एक डायलॉग आता है ना, इंजीनियर्स बहुत चालाक होते हैं करके, सारे चीज़ों का कि प्रेशर नापने का मशीन तो बनाया लेकिन यहाँ का प्रेशर नापने का कोई मशीन नहीं बनाया। और आपके दिमाग में आप इतनी सारी चीज़ें लेके चलते हो और लोगों को नहीं दिखता कि आप किस सिचुएशन से जा रहे हो। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने उस कंधों का, उस ब्रेन का अननेसेसरी बोझ, वो जो चीज़ें हो चुकी है, मे बी आपकी गलती होगी, किसी और की गलती होगी, आज एक काम करो, सब बोझ को ख़त्म कर दो, छोड़ दो और फिर नए सिरे से अपनी पढ़ाई चालू करो। दोस्तों, दो दोस्त है, आपका दोस्त उतना ही पढ़ के रैंक ला रहा है, आप उतना ही पढ़ के फेल हो रहे हो, या वो पास हो रहा है अच्छे मार्क्स से, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या? वो बर्डन नहीं रख रहा है पास्ट का, जो चीज़ें हो गई। और आप क्या कर रहे हो? आप हजारों थॉट्स के साथ चल रहे हो। तो रेस में कोई इक्वेशन है ही नहीं, कोई बोलते ना कि कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि वो अपने मस्त मौला की तरह चल रहा है, तुम लोग क्या पता किस डिप्रेशन में घुसे हुए हो। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने दिमाग से जो हो गया उसका, जो भी गिल्ट होगा, टेंशन होगा, प्रेशर होगा, हटा दो। आज का नया दिन है, नए पन्ने पर नई कहानी लिखना शुरू करो, राइट? इतना छोटा सा मैसेज मुझे देना था। आई होप मैं आपको मेन मुद्दे तक लेकर आया इधर उधर के एग्जाम्पल देके। सो सर, फॉरगेट द पास्ट एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड मेक योर फ्यूचर। क्या कहा मैंने? पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट पे फोकस कीजिए और अपना फ्यूचर बनाइए, राइट? सो इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखो। दोस्तों, 11th-12th फाउंडेशन के बैचेस हमारे शुरू हो गई है। आपके अगर पहचान के कोई हो गए, आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना। चलो, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।